हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो GSEL की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि गुजरात एल्कालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी, जिसमें फर्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी केमिकल के लिए, जिसमें आप लोग का जॉब लोकेशन गुजरात में रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BVTech में 3rd ईयर और 4th ईयर पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी मैकेनिकल के लिए, जिसमें आप लोग का जॉब लोकेशन गुजरात में रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BVTech में 3rd ईयर और 4th ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और एज लिमिट यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BVTech में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BVTech में 3rd ईयर और 4th ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो भी कंडीशन है वो सेम रहा गया है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी कंप्यूटर साइंस और IT के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BVTech में 3rd ईयर और 4th ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी केमिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा में 2nd ईयर और 3rd ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा में 2nd ईयर और 3rd ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो भी कंडीशन है वो सेम रखा गया है। और उसके साथ हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके डिप्लोमा और BVTech 2021 और 2022 पे पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2021 से पहले डिप्लोमा और BVTech पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 15 जनवरी 2023। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है।
उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग के पास एक साल का एक्सपीरियंस है या तो एक साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके साथ अगर आप लोग आपके बीबीटेक और डिप्लोमा पे फाइनल ईयर पे हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा अगर आप लोग हायर क्वालिफाइड हो यानी कि एमईएमटेक वगैरह की हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे अप्रेंटिसशिप चलने के दौरान आप लोग को स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटाइस ट्रेनिंग के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ मिल जाएगी और टेक्नीशियन अप्रेंटाइस ट्रेनिंग के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 12,000 पर मंथ मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन यानी कि बीबीटेक और डिप्लोमा में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के साथ साथ आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी, इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके पास में आप लोग को अप्लाई ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोग को रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोग को ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका नेम फिल करना है। नेक्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फर्स्ट आपको आपकी ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा और उसके बाद पासवर्ड फिल करने के बाद साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। पासवर्ड आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स, आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।